सो आई थिंक इम्पोर्टेंट बिकॉज आज ही डिस्कशन हुआ है uh, तो बड़ा पोर्टफोलियो है एंड एग्जाम्पल uh, मतलब थोड़ा सा नंबर्स चेंज कर देते हैं ऑब्वियसली जैसे हम हमेशा करते हैं uh, तो पोर्टफोलियो uh, का साइज बहुत बड़ा था बट मैं उसको कटेल uh, डाउन करता हूँ प्रोपोर्शनेटली आई विल नॉट टेल यू द प्रोपोर्शन मतलब व्यूअर्स को वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि उसमें से जिस्ट क्या निकालना है हमें सो uh, एक्सपेक्टेशंस so ये है Uh, कि इन्वेस्टर uh, के पास तीन करोड़ रुपए है एंड एवरी मंथ उनको वन पॉइंट फाइव लैक्स रुपीज निकालने हैं एज अ एस डब्ल्यू पी ठीक है uh, अब uh, मतलब uh, जो पोर्टफोलियो है वो लास्ट uh, कुछ दिनों में मॉडरेट इन्वेस्टर है बहुत एग्रेसिव भी नहीं है ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन है इन uh, Allocations are in one flexi cap fund, allocation is in in one balanced advantage fund also, and one one flexi cap cap fund. fund balanced advantage also and mid एलोकेशन आर इन फ्लेक्ट एलोकेशन ऑल सी एर है एंड फिर भी बार बार जो डिस्कशन होते हैं तो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द एक्सपेक्टेशन डाउन टू बारह परसेंट बारह परसेंट ही होना चाहिए हमने बारह परसेंट ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए बट ऑब्वियसली पहले ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि तीन करोड़ में से सिर्फ एक लाख रुपए पर मंथ का एसडब्ल्यू शुरू होगा मतलब वो मंथली उसके लिए लिक्विड में भी रखा था पोर्शन वहां से मंथली एक्सपेंडिचर नेक्स्ट साल के खर्चे वहीं से उसके बाद बैलेंस एडवांटेज से पैसे लिया जाएगा ऐसा प्लान इनिशियली बना था पूरा एज पर इन्वेस्टमेंट होराइजन उस हिसाब से हमने वो पोर्टफोलियो दो ही इज नॉट रिटायर्ड बट एज ए रिटायर्ड पर्सन हमने वो सारी चीजें प्लान की थी अब उसमें एक लाख से कब अब बातों बातों में Uh, डेढ़ लाख हो गया uh, कि नहीं नहीं डेढ़ लाख हमने निकालना चाहिए आई थिंक दैट वुड बी अ राइट अमाउंट मतलब उत, उतना मुझे चाहिए जस्ट टू लिव कंफर्टेबली सो अब डेढ़ लाख जब हुआ तो सब फिर उन्होंने अब आजकल एसडब्ल्यू पी के एसडब्ल्यू पी के कैलकुलेटर्स बहुत मिलते हैं ऑनलाइन वगैरह तो उन्होंने नंबर डाला कि हाँ चलो तीन लाख तीन करोड़ रुपए मैंने डाले डेढ़ लाख रुपए के हिसाब से मैं नेक्स्ट पांच साल तक ये पैसा निकालता जाऊं तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा

आप कैलकुलेन्स उस हिसाब से करो मैं आ, उनको कैलकुलेशन में बोला नहीं नहीं सर बारह परसेंट पे चलते हैं हम। से क्यों निकाला? अरे पंद्रह तो आई जाएंगे ना मतलब पंद्रह में क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है अभी कि आपने ग्लोरियस इयर्स देख लिए रिटर्न्स के ठीक है अब यहां से जब हम फंड मैनेजर्स के साथ बात कर रहे हैं सो दे सो एंड सो मच रैशनल

पंद्रह परसेंट का बेस्ट बना के आप रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते हो सो रिटर्न मिल ही चुका है ना अपने को, तो परसेंट क्यों नहीं आएगा सर बाईस तेईस परसेंट मिला है इसीलिए पंद्रह परसेंट नहीं आएगा ये कन्विंस होना बहुत जरूरी है हमें उसमें एकाध दूसरे स्टॉक ने रिटर्न देना और अभी जैसे हो गई अरे ओला शायद उसमें हम रखते तो कितना रिटर्न आ जाता ये थॉट आ रहे लोगों के मतलब अरे भाई क्या मतलब क्यों करना चाहते हो ये सब चीजें इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू सो वो नहीं करना है एग्जैक्टली exactly जो नहीं करना है वो ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत बेस्ट के सिनारियो ही अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप मार्केट से आपको बहुत सारे लेने बचे हैं आपके अभी तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि आ, इसमें आ, जो बढ़िया रिटर्न्स आपने देखे वही रिटर्न्स आप आगे भी देखते जाओगे तो आपको रैशनल बनना पड़ेगा रिटर्न एक्सपेक्टेशन में सो so, अगर आ, आपने इनिशियली कैलकुलेशंस किए थे 12 परसेंट से आपको आए 22 23 परसेंट और आप बोल रहे हो कि 15 तो मिल ही जाएगा ना और तुम तो 12 लास्ट टाइम बोल रहे होते हो थे, उसमें बाईस है पंद्रह तो कहीं ना कहीं कभी भी मिल ही जाएगा आपने को नो no. एंड हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बाईस से पंद्रह पे आ जाए वो बाईस से पंद्रह परसेंट पे जब आएगा ना तो समझो कि आपके पंद्रह से बहुत नीचे जाएंगे जा, यहां से आगे के तब जाके ओवरऑल पोर्टफोलियो पंद्रह पे दिखेगा आपको तो आप समझना बहुत जरूरी है इेशनल बिहेवियर्स मार्केट ने दिखाए हैं उन इेशनल बिहेवियर्स को अगर आप आपके अः इेशनल एक्सपेक्टेशन के साथ uh, और प्लानिंग uh, करोगे सो आई थिंक देन थिंग्स विल गो फॉर टॉस तो प्लीज जो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आपके खर्चों के तो आपको वो आपको अच्छी तरीके से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो वहां बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी आ, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आगे जाओगे सो देॉइंटमेंट विल बी देयर देर इज नो डाउट अबाउट दैट मैंने कम से कम पांच मार्केट साइकिल्स अब तक देखी है और उसमें यही बार 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 साबित हुआ है बिलीव मी जब मार्केट चलते हैं 2013 जब मिस्टर मोदी गॉट नॉमिनेटेड फॉर एनडीए प्राइम मिनिस्टर सितंबर के बाद जो रैली हुई थी एंड वो रैली मार्च या फेब्रुवरी दो तक चली तो सबको ऐसा लग रहा था भाई अभी तो शुरुआत है देखते जाओ क्या होता है आगे और 2015 से 2020 जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मानी गई थी उसमें मार्केट्स में लार्ज कैप ने रिटर्न दिया था 10-11 परसेंट सी का फॉर फाइव इयर्स तो ये समझ के चलो कि मार्केट की साइकिल्स रिपीट होती है ये हम आपको निगेटिव नहीं बना रहे हैं बट वी आर मेकिंग यू मोर एंड मोर प्रैक्टिकल प्लीज उसी को फॉलो कीजिए बिल्कुल इसमें ट्रेलिंग ईयर हिसाब से आगे के प्लान्स नहीं बना सकते स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव सीन थ्री टू फाइव इन स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड सो ये और वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रहे हैं लोगों के गलत एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं, तो हमें रैश देना होगा ंग विथ वन कैलकुलेटर एक्चुअली रिटायरमेंट का कैलकुलेटर कौन सी वेबसाइट पे था आई डोट नो बहुत बढ़िया था वहां पे ना वो ना रिटायरमेंट कैलकुलेटर में तेरह परसेंट के ऊपर रिटर्न ही लिखने नहीं दे रहे थे सो so, आप कैलकुलेट करो नो नो यू कैट राइट मोर देन थर्टीन परसेंट फॉर योर रिटायरमेंट सो मतलब उनकी रेंज थी दो परसेंट से तेरह परसेंट तक सो मतलब वो ऐसे कैलकुलेटर बनने जाए आई एम नॉट एबल टू रिमेबर बट गौरव आई थिंक दिस इज वन थिंग विच शुड इम्प्लीमेंटेड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो स्पेसिफिकली इन दीज टाइम्स बिकॉज hmm. वो क्या है कि अननेसे हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करना वेरी डेंजरस फॉर इन्सॉज वो उनको उसी गलत फेहमी में बना के रखेंगे गलत अमाउंट पे प्ले करते जाएंगे सो बेस्ट केस मतलब यू कैनॉट प्लान फॉर द बेस्ट केस इन रियो यू कैन प्लान फॉर दर्स्ट केस इन आ रियो एंड होप फॉर द बेस्ट केस इन आ रियो